नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिविलाइजिंग सिविल इंजीनियरिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस पेपर पैटर्न एनालिसिस, जो मैंने अपने मेंस प्रिपरेशन के लिए बनाया था। दोस्तों, इसमें मैं आपको क्वेश्चन वाइज किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, चलते हैं सीधे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो पेपर पैटर्न एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों, क्वेश्चन वन में हर साल लिखा गया है कि टोटल चार क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी डी, चारों क्वेश्चन का इक्वल वेटेज होता है दोस्तों 15 मार्क्स ईच, यानी कि ए 15 मार्क्स, बी 15 मार्क्स, सी 15 मार्क्स एंड डी 15 मार्क्स। ये देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर वन के जो ए पार्ट होता है उसमें हमेशा एनवायरमेंट का ही क्वेश्चन आता है, जिसमें कि वाटर सप्लाई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना होगा या फिर एक सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करना होगा, या फिर आपको कभी कभी अंडर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करने को भी आ सकता है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर वन के ए पार्ट में आपको डिजोल्व ऑक्सीजन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसमें आपको बीओडी ऑफ सीवेज दिया होता है, बीओडी ऑफ रिवर दिया होता है, और दोनों का बीओडी का मिक्सचर फाइंड करना होता है दोस्तों, जिसमें आपको डिजोल्व ऑक्सीजन फाइंड करना होता है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, या फिर क्रिटिकल डेफिसिट फाइंड करना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर वन बी पार्ट की बात करें तो इसमें आपको थ्योरी आता है दोस्तों, कंसल्टेशन चैप्टर जो कि सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट है दोस्तों। सी पार्ट की बात करें तो इसमें आपको इरीगेशन से थ्योरी आता है, एफिशिएंसीज ऑफ इरीगेशन जो है दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी डेल्टा, उसमें क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली दोस्तों। डी पार्ट की बात करें तो इसमें हाईवे क्वेश्चन आता है, हाईवे से ओएसडी यानी कि ओवरटेकिंग साइन डिस्टेंस है, इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हर साल ही क्वेश्चन आते हैं समझ लो जी। इस साल जो पेपर हुआ था एसएससी जेईई मेंस 2019, उसमें जो क्वेश्चन तो रिपीट हुआ था दोस्तों पिछले साल एसएससी जेईई 2018 का। चले क्वेश्चन नंबर टू पे, तो क्वेश्चन नंबर टू में भी चार पार्ट्स होते हैं दोस्तों। पहला सभी का इक्वल वेटेज होता है 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर टू के ए पार्ट की बात करें तो इसमें हाईवे या फिर रेलवे से ना थ्योरी आता है, जिसमें परमानेंट वे की थ्योरी हो गई, ब्लास्ट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, स्लीपर्स रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड स्लीपर्स, रेल सेक्शन, हाईवे से। बी पार्ट की बात करें तो सर्वे, सर्वे में आपको कंपास सर्वे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको लोकल अट्रैक्शन से जो एंगल्स चेंज रहते हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, बैक साइड या फिर फोर्स कैलकुलेशन मिलेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से थ्योरलाइट एरर्स जो होते हैं दोस्तों कंपेंस, और चेन एरर यानी कि सैग करेक्शन पुल करेक्शन उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सी पार्ट की बात करें तो इसमें इरीगेशन थ्योरी आती है, सिलेक्शन साइट क्या होनी चाहिए, डैम की कंट्रोल इंटरवल क्या होता है, कंट्रोल ग्रेडियंट क्या होता है, इन सब में बेसिक डेफिनेशन जो इरीगेशन में है वो सब आता है दोस्तों। पार्ट डी की बात करें तो इसमें भी इरीगेशन सब्जेक्ट से आता है, लेसेस डिज़ाइन ऑफ चैनल जो दिया है दोस्तों, उसमें 5 फॉर्मूले डिस्चार्ज दिया होता है दोस्तों, आपको एरिया पेरीमीटर फाइंड करके पूरा डिज़ाइन करना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन सेक्शन देखे गए हैं दोस्तों, हर साल चार साल के पेपर के एनालिसिस में तीनों क्वेश्चन का वेटेड 20-20 मार्क्स होता है अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए की बात करें तो इसमें सॉइल से थ्योरी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट होते हैं या फिर प्लेट लोड टेस्ट से थ्योरी आती है, या फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन इसमें थ्योरी आती है दोस्तों। पार्ट बी की बात करें तो इसमें आपको आरसीसी स्लैब डिज़ाइनिंग या फिर फुटिंग डिज़ाइनिंग आ सकती है दोस्तों। टाइप सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो इसमें आरसीसी बीएम डिज़ाइन या फिर कॉलम हेलिकल डिज़ाइन मोस्टली आता है दोस्तों, हेलिकल डिज़ाइन ही पूछा जाता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से करना है, बीएम डिज़ाइन और हेलिकल रेनफोर्समेंट ये दो क्वेश्चन ही आ सकते हैं बीएससी में, स्लैब डिज़ाइन या फुटिंग डिज़ाइन एक दो बार ही पूछा गया है दोस्तों पिछले 4 सालों में। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें
इसमें भी चार क्वेश्चन आ गए दोस्तों, ए बी सी डी सभी का वेटेज 15 मार्क्स है। पहले ए पार्ट की बात करें तो इसमें आपको बी एम सी मिल जाएगा, वर्क एबिलिटी टेस्ट यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क एबिलिटी, स्लम टेस्ट कौन पे सॉरी स्लम टेस्ट एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। ये वर्क एबिलिटी का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आसानी पूछा जाता है, तो आप बी एम सी ये वर्क एबिलिटी वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ना छोड़ें। उसके बाद इरिगेशन की बात करें तो पार्ट बी में आपको इरिगेशन ट्रिपल वाटर चैनल डिज़ाइन करने को आएगा दोस्तों, जो कि लेसिस जैसा डिज़ाइन होता है। टाइप सी की बात करें तो इसमें आपको हाइड्रोलिक मशीन यानी ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। इसमें आपको पेल्टन व्हील से रिलेटेड एफिशिएंसी, शाफ्ट पावर, वाटर पावर ये सब कैलकुलेट करने को आएगा दोस्तों, या फिर सेंट्रीफ्यूगल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है सेंट्रीफ्यूगल पंप के। डी बंद की बात करें तो इसमें आपको थ्योरी आने वाला है दोस्तों बी एम सी से, जिसमें कि आपको टिम्बर में डिफरेंस क्या होते हैं दोस्तों, फैक्टर्स प्रिजर्वेटिव्स ऑफ टिम्बर इस पर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, या फिर सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, बोगी कंपाउंड्स उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो ये टोटल समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव पूरा सॉइल मैकेनिक्स आता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें इसमें तीन क्वेश्चन अनुमान देखे गए हैं, जिसमें कि तीनों क्वेश्चन का वेटेज 20-20 मार्क्स रहने वाला है दोस्तों। सॉरी एक पार्ट की बात करें तो इसमें आपको रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड यानी कि एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाने का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसमें आपको स्ट्रेटिफाइड सॉइल भी मिल सकता है या फिर सिंगल लेयर सॉइल भी मिल सकता है, इसमें आपको टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना होगा दोस्तों। पार्ट बी की बात करें तो इसमें आपको सीव एनालिसिस से क्वेश्चन आ सकता है, मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर फाइंड करने के लिए, या फिर मोर सर्कल से आपको स्ट्रेस डायग्राम दिया होगा सिग्मा वन सिग्मा थ्री वो फाइंड करने को आ सकता है, या फिर टोटल या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर है दोस्तों, टोटल इफेक्टिव एंड फॉरवर्ड प्रेशर डायग्राम बनाने को भी आ सकता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टोटल इफेक्टिव एंड फॉरवर्ड प्रेशर ये और जो एक्टिव आर्थ प्रेशर डायग्राम है ये सारी पूछा जा रहा था, लेकिन इस साल जो पेपर हुआ था 2019 में इसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर से कोई पेपर क्वेश्चन नहीं आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव सी की बात करें तो इसमें आपको सॉइल से थेरी थीम थेरी जो है न्यूमेरिकल, जिसमें आपको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉडाउन फाइंड करना होता है दोस्तों, वो उस पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो ये टू इसमें भी तीन पॉइंट है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 20-20 मार्क्स का वेटेज होता है तीनों क्वेश्चन का। कभी कभी सॉल्व के जो SFT एंड BMD क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, जो कि आसानी पूछा जाता है, ये कभी 20 मार्क्स कभी 25 मार्क्स कभी 30 मार्क्स का भी पूछा गया है दोस्तों। और सिक्स एक मार्क्स का स्टील जो कि वेल्डेड कनेक्शन या फिर बोल्टेड कनेक्शन आने वाला है दोस्तों, जिसमें आपको इन प्लेन या फिर आउट प्लेन इसी टॉपिक से ज़्यादा करके क्वेश्चन आता है दोस्तों। टाइप्स क्वेश्चन नंबर सिक्स सी की बात करें तो इसमें आपको CPM की थ्योरी आने वाली दोस्तों, शिंकिंग पॉइंट क्या होगा, सालवेज वैल्यू, बुक वैल्यू, इल्ड वैल्यू, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, इस सभी पे आपको क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।